हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू होम टॉक चैनल। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके चेहरे के लिए कौन सा फ्रेम आपके लिए बेस्ट होगा। जो अभी मार्केट में बिल्कुल नए आए हैं, ऐसे कुछ फ्रेम के डिजाइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वैसे तो फ्रेंड सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर फ्रेम स्टाइलिश हो तो आपके फेस को भी एक स्टाइलिश लुक मिलता है। उसी हिसाब से मैं कुछ ऐसे फ्रेम दिखाने वाला हूँ जो 100% आपको पसंद आएंगे और आपके फेस को भी काफी सूट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से फ्रेम्स हैं जो आपके लिए बेहतर होंगे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम्स आपको दिखा रहा हूँ जो अभी चलन में सबसे ज्यादा है और इसकी हमेशा मार्केट डिमांड रहती है, क्योंकि ये किसी भी टाइप के फेस में सूट हो जाते हैं और फेस में भी काफी अच्छे लगते हैं, काफी स्टाइलिश लुक देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो बड़े फ्रेम चलन में आ रहे हैं उसकी जो एरिया जो हमको मिलती है उसमें आपको पावर का जो पूरा रेंज है देखने को मिल जाएगा, और जो पावर भी आता है, जैसे फिटिंग भी करते हैं अपन तो परफेक्टली उसमें फिटिंग हो जाता है। और आजकल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग आजकल कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं, तो ऐसे में उनको प्रोटेक्शन लेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में इस टाइप की अगर बड़ी फ्रेम आप परचेस करते हैं तो इसको बॉर्डर ज़्यादा मिलता है, एरिया ज़्यादा मिलता है, जिससे आपकी आँखों को चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको एक एक फ्रेम के बारे में बताता हूँ, ये इसके मॉडल नंबर क्या है और इसको हम कैसे अच्छे फेस शेप के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि ये फ्रेम जो है मुझे भी काफ़ी पसंद है। आप देख ही सकते हैं इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। इसको सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूँ। एक्चुअल में फ्रेम ये इसका जो नाम है ये कैट आई फ्रेम है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो लिखा भी मिलेगा आपको कैट आई और स्मॉल साइज़ का है ये। जिनका फेस छोटा होता है या पतला फेस का है उनके लिए ये फ्रेम सबसे अच्छा है। और ये एक सीट मटेरियल है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट लेंस पॉलीमर मटेरियल होता है, जो एसीटेटेड मटेरियल है। ये फ्रेम टूटती नहीं है। आप ऐसी फ्रेम का चुनाव कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको साथ में स्प्रिंग मिलेगी। स्प्रिंग का मतलब अगर आप इसको इस टाइप का लचक करते हैं, प्रेशर मारते हैं, तो ये देखिए रिटर्न अपनी जगह पर पहुँच जाता है। तो ये हमको पता चलता है कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये एक छोटी साइज की फ्रेम है, यानी कि जिनका फेस जिनका छोटा होता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट है सुपर डुपर हिट और मुझे काफ़ी पसंद है ये खास करके। वैसे तो गर्ल्स के लिए है क्योंकि ये कलर थोड़े लड़कियों की कलर है, और रेड कलर और ये पर्पल कलर ज़्यादातर लड़कियां पसंद करती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम है। लुक भी बहुत अच्छी है और मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये मेटल की फ्रेम है, यानी कि आपने अभी तक जितने भी फ्रेम यूज़ किए होंगे और हो सकता है प्लास्टिक के होंगे या एसीटेटेड मटेरियल के होंगे, लेकिन ये जो फ्रेम है ये ये मेटल की फ्रेम है। मेटल की फ्रेम की सबसे खास बात क्या होती है, इसका जो बॉर्डर आप देखेंगे काफ़ी थिन मिलेगा आपको, बिल्कुल ही पतला रहता है ये देखिए, और काफ़ी लाइट वेट है। और कई लोगों की शिकायत होती है कि मेटल फ्रेम लगाने से उनके नोज़ में निशान पड़ जाता है नोज पैड का, तो बिल्कुल इसमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये फ्रेम बहुत ही लाइट वेट है, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट वेट है। आप दोनों फ्रेम में अपने पावर ग्लासेस लगवा सकते हैं और ये अभी का टॉप मॉडल है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है लुक वाइज भी, और आपके फेस में भी 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये आपको पसंद भी आएगा और आपके फेस को और भी ज़्यादा निखार सकता है। अगर आप इस फ्रेम को परचेस करना चाहते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं कि आपको राउंड मेटल फ्रेम चाहिए। ये राउंड ग्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको, बहुत सारे इसमें कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे लुक देते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये है क्लब मास्टर फ्रेम। अब आप कहेंगे इसमें तो मेटल और प्लास्टिक दोनों ही लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ऊपर की ओर प्लास्टिक लगा हुआ है और नीचे की ओर मेटल का फ्रेम लगा हुआ है, और ये वैसे भी अंदर से भी चारों तरफ मेटल की फ्रेम है, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं कि ये जो फ्रेम है काफी मजबूत होने वाला है, क्योंकि इसमें मेटल और प्लास्टिक दोनों का लुक आपको देखने को मिलेगा जो एक बेहतरीन लुक आपके फेस को देने वाला है। और वेट की बात करें तो वेट काफी हल्का है, बिल्कुल भी वेट नहीं है, यानी कि वेट लेस है। और इसमें आप सिंगल विजर लेंस, बाइफोकल लेंस और यहाँ तक कि प्रोग्रेसिव लेंस भी इसमें लगवा सकते हैं। तो ये फ्रेम आप चूज करके देख सकते हैं इसको, मुझे तो पता है कि ये आपको बिल्कुल अच्छा लगने वाला है। और अब बात करते हैं सबसे खास बात की कि इसकी प्राइस क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं मुझे कमेंट करते हैं, सर आप फ्रेम तो बताए लेकिन उसके प्राइस नहीं बताए, तो आपकी ये जो शिकायत है मैं आज सब दूर करने वाला हूँ। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं दोस्तों, ये मात्र 650 रुपीज़ का है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल 650 रुपये में ये फ्रेम आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा उमदा क्वालिटी आपको देती है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको मिलेगी। जैसे कि उससे पहले मैंने कुछ फ्रेम दिखाया था, जैसे कि ये सबसे फर्स्ट में हमने कैट आई देखा था, ये आपको 500 से 800 तक के मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमने इस मेटल फ्रेम की बात की थी जिसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो ये भी आपको 600 से 900 तक के मार्केट में अवेलेबल है।
और आप खास ध्यान देंगे इसकी क्वालिटी पे, क्योंकि ये जो मैं फ्रेम दिखा रहा हूँ इसकी क्वालिटी उम्दा क्वालिटी में से है, ये कोई लोकल फ्रेम नहीं है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मैं चाहूंगा कि दोस्तों जब भी आप अगर कोई फ्रेम परचेस करते हैं तो बहुत ही चीप टाइप के फ्रेम पसंद ना करें, परचेस ना करें, क्योंकि उस टाइप के फ्रेम आप उनकी लाइफ बहुत कम होती है और जल्दी से जल्दी वो टूट सकते हैं। ओके तो अब नेक्स्ट पहुंचते हैं और ये है हमारा एसीटेटेड फ्रेम जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, स्मार्ट एचडी कंपनी का है और ये टोटली एसीटेटेड मटेरियल है, जिसमें अगर आपके साथ टूटने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि कई फ्रेंड हमारे ऐसे रहते हैं कि दो सर हमारा चश्मा टूट गया हम क्या करें, या मेरा चश्मा बार बार टूट जाता है, इस टाइप की शिकायतें होती है, तो उन शिकायतों का सोल्यूशन यही है कि एसीटेटेड मटेरियल का फ्रेम लगाएं, जैसे कि यह है स्मार्ट एचडी का, बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, ये टूटने की शिकायत से आपको हमेशा के लिए निजात दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें साथ ही आपको मिलता है स्प्रिंग जो आपके नसों को कम प्रेस करेगा और आपको पहनने में, इसको वियर करने में काफी कंफर्टेबल फील होने वाला है। तो इसकी जो राउंड शेप है वो बहुत ही अच्छी लुक है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर ये फ्रेम आपको पसंद आए तो आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, तो अभी तक हमने गर्ल्स के बारे में बात किया, लेकिन हमारे जो बॉयस है वो नाराज ना हो, क्योंकि अब उनके लिए मैं जो दो फ्रेम ये एक साथ रखा हूँ, ये बॉयस फ्रेम है, ये स्क्वायर शेप में है, चाहे तो आप स्क्वायर शेप लगा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ये सभी ऑप्शन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि सर राउंड फ्रेम जो है केवल लड़कियां लगाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आजकल राउंड फ्रेम लड़के ज्यादा लगा रहे हैं लड़कियों की अपेक्षा, और ये जो स्क्वायर शेप है ये भी आजकल लड़कियां भी लगा रही है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सा फ्रेम लड़का लगा रहा है या कौन सा लड़की लगा रही है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये दोनों एसीटेटेड मटेरियल है, स्मार्ट एचडी कंपनी का है और बेहतरीन उम्दा क्वालिटी का है। इसकी कीमत 650 रुपए से आपको 850 रुपए तक के मार्केट में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड, तो सबसे खास बात अब सामने आती है कि सर हमको अपना जो साइज है, अपने फेस का साइज जो हम कैसे पता करें, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि इस फ्रेम में आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जहां पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ यहाँ पे लिखा है HD170952। अब इसका क्या मतलब हुआ, या आप अपने फेस के लिए कैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये मेरे फेस के लिए परफेक्ट होगा, या आपका फेस का साइज क्या है जो आपको ये फिट बैठेगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जो सबसे फ्रंट में आपको HD लिखा है ये कंपनी का नाम होता है, उसके बाद 170029 लिखा है ये उसका मॉडल नंबर है, और जो 52 लिखा है ये फ्रेम की साइज है, 52 साइज की ये फ्रेम है। और अधिक जानने के लिए अगर आपको अपने फेस के हिसाब से चीज़ों को समझनी है तो आप फ्रेम की स्टिक पे जाएंगे, और मैं थोड़ा सा इसको साफ करके दिखाता हूँ आपको। ओके फ्रेंड, तो ये है सबसे खास बात, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 8009 53 18 138 ये सब लिखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि आप इस नंबर्स को कैसे समझ सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे रफली बता देता हूँ कि यही वो फार्मूला होता है जिसकी मदद से आप जो है अपने फेस के साइज के हिसाब से फ्रेम परचेस कर सकते हैं। रफली तौर पर अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो आप देखेंगे 53 जो है फ्रेम का साइज होगा और 18 जो है ब्रिज का साइज होगा। ब्रिज यानी कि ये जो हमारा फ्रेम है उसकी ये वाली एरिया, यानी कि अगर आपकी नोज काफ़ी मोटी है तो ये ब्रिज की साइज कहलाएगी, ये 18 है। अगर आपकी नोज मोटी है तो आपको 20 तक की इसकी ब्रिज साइज लेनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे 138 लिखा हुआ है, 138 होती है इसकी स्टिक की लंबाई। ये जो स्टिक है आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर पूरे लास्ट तक जहाँ से ये फोल्ड होता है वहाँ तक ये इसकी स्टिक की साइज होती है। तो इस हिसाब से ब्रिज टेम्पल ये सभी मिलाकर ये मॉडल नंबर लिखा होता है। कई लोगों की ऐसा होता है कि नोज से लेकर ईयर तक के जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो जो 130 यहाँ पे लिखा हुआ था उसको बढ़ा के आप 140 तक के टेम्पल ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए परफेक्ट फ्रेम कैसे चूज कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि इस सभी चीज़ों को नहीं समझने के कारण काफ़ी दिक्कतें होती है और आप गलत फ्रेम चूज कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर हमें चश्मा ठीक से बैठ नहीं रहा है, क्या करें, क्या 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 कर सकते हैं, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो दोस्तों, तो फ्रेंड ये वीडियो देखकर आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएगी और आपको एक अच्छे फ्रेम पसंद करने में काफी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी टाइप की वीडियो लगातार देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।